अरे आप लोग घबराइए मत, बिल्कुल क्यों परेशान हो रहे हैं? कुछ नहीं है, मुझे थोड़ा सा दर्द है, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। मनीष जी, भीड़ थोड़ी कम हो जाए फिर हम आपको घर ले जाएंगे, तब तक आप प्लीज खुद उठने की कोशिश मत कीजिए। जी अब मैं तब तक सबके लिए कुछ लेके आती हूँ। हेलो, ये यहाँ क्या कर रहा है और इसका क्या लेना देना है सबसे? कार्तिक को बताती हूँ। कार्तिक है कहाँ? को देखा क्या आपने भी देखा? वो कह के गया। फिर से जीते हुए टीम के साथ आज की असली सुपरस्टार कहाँ है? कहाँ है भाई? कीर्ति, क्या हुआ? परेशान क्यों लग रही है? नायरा, तुम बताओ क्या हुआ? आदित्य आया था यहाँ। मैंने उसे देखा था और दी ने भी, दी मुझे कहीं मिल नहीं रही थी इसलिए मैं घबरा गई थी और उन्हें ढूंढ। कहाँ है वो अभी? बताओ मुझे, अभी ठीक करता हूँ उसे। नहीं करते, उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसने दी से सॉरी कहा बस। संभालिए भाई, बिल्कुल मत घबराना, साफ साफ बताना, कुछ मत छिपाना। क्या कहा उसने? कुछ गलत किया उसने? कुछ कहा? नहीं पापा, उसने सिर्फ सॉरी ही कहा। बस अब बहुत हो गया, मुझे लगता है अब हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। और क्या कहेंगे उनसे कि उससे माफी मांगी तो उसे गिरफ्तार करें? पर चाचू एक पर बार क्या कार्तिक, हम पुलिस को इन्वॉल्व नहीं कर सकते इसमें। हमें ही जिम्मेदारी लेनी होगी कि हम कीर्ति का ध्यान रखें, उसे अकेला ना छोड़े, स्पेशली जब वो घर से बाहर हो। अगर पुलिस को इन्वॉल्व कर दिया तो पुरानी बातें खुलेगी। उस दिन सगाई वाली बात, उस दिन तो गलती हमारी थी ना। अगर वो चाहे तो उल्टा केस हम पे कर सकता है कि तुमने उसे मारा था, वो नो फॉल्ट ऑफ हिज। अखिल बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसका पूरा स्टाफ उसी का साइड लेगा। अच्छा हम चलते हैं। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। ये सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कृष्णा जी, कि जहां भी हम जाते हैं आदित्य वहीं आ जाता है। बार बार सॉरी कहना, शराफत दिखाना, क्यों मुझे ये सही नहीं लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे बाहर कुछ और है और मन में कुछ और।
नायरा क्या हुआ? चलो सब सही चल रहा था, फिर इस आदित्य ने अपनी शक्ल दिखाकर सब गड़बड़ कर दिया। पता नहीं क्यों आ जाता है वो हर जगह हमारी खुशियों को नजर लगाने। कार्तिक उनकी दीदी के पास जाओ, उनकी हिम्मत बढ़ा, बहुत डरी हुई है। मैं दादी को देखती हूँ। प्लीज दादी आप इतना परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। हम ध्यान रखेंगे, दीदी को एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पे ध्यान रखना जरूरी है नारा। मैं समझी नहीं दादी। आदित्य ने जो भी किया उस पे हमारा कोई बस नहीं है, लेकिन तुम तो अपना मुंह सोच समझ के खोलती। दादी मैंने क्या किया? क्या जरूरत थी सबके सामने ढिंढोरा पीटने की, वो भी तब जब आदित्य माफी मांग चुका था। कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कहा था ना उसने? दादी मैं तो बस क्या बस, थोड़ी देर अपना मुंह बंद नहीं रख सकती थी, घर आके बात कर लेते थे। वहाँ सबके सामने कहना जरूरी था, नक्श भी था वहाँ, तुम्हारे मायके वाले भी थे। वो लोग हमसे अलग है क्या दादी? भगवान अब कैसे समझाए तुम्हें। हाँ हम सब अब एक ही परिवार है, लेकिन हर परिवार की अपनी परिभाषाएं होती है, अपनी मर्यादाएं होती है। वो कीर्ति का होने वाला ससुराल है, जब बार बार होने वाली बहू का बीता हुआ कल सामने आए, हर तीज त्योहार पे इस तरह की अप्रिय घटना घटे तो एक ना एक दिन तो वो परेशान होंगे ना, उनके भी सब्र का घड़ा भर जाएगा ना, और कोई नहीं तो नक्श तो चिढ़ जाएगा। वैसे भी शादी में कुछ ठीक नहीं हो रहा है और उस पे तुमने। दादी ऐसा कुछ नहीं होगा, आप जानती हैं मेरी फैमिली को, वो लोग बहुत ही सुलझे हुए हैं, कभी भी किसी ऐसी बात का कोई बतंगड़ नहीं बनाएंगे। वो लोग मुझसे और आपसे ज्यादा साथ देंगे कीर्ति दी का, ट्रस्ट मी। हम जानते हैं कि वो बहुत भले लोग हैं, कीर्ति को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कब तक? फर्क तो पड़ ही जाता है ना इन बातों से। आज भी देखा नहीं तुमने, सब कैसे चुप थे, एक शब्द नहीं बोला किसी ने। हमें डर लग रहा है कहीं वो कोई और ही फैसला ना ले ले। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।